मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। एक्चुअली अभी मैं शुरू के पढ़ रहा था, एज यूजुअल मैथ्स पढ़ रहा था। आज मैथ्स में मैं एक्चुअली इक्वेशन प्रैक्टिस किया। इक्वेशन मतलब कि जैसे कि आप साइन थीटा जो है उसको आप कॉस सेक टैन कोसेक थीटा में आप उसको ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डैट। तो मैं वैसे साइन से लेकर पूरा छः के छः को सबको वैसे क्या 30 इक्वेशंस लिखा, मतलब कि 30 इक्वेशन डिराइव किया, कंटिन्यू करके 30 इक्वेशन डिराइव किया। और 30 इक्वेशन डिराइव ओनली 15 इक्वेशन डिराइव करने के लिए था, क्योंकि और सब तो उसका रेसिप्रोकल है, तो उसमें वो कुछ मुश्किल नहीं हुआ। रेसिप्रोकल तो आराम से हो जाएगा, बोलने की उल्टा कर लेना मतलब डिवाइड में वन। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। ब्रेकफास्ट में कल का जो ब्रेकफास्ट था चिल्ला जाम डोसे के साथ होता है, तो खाऊंगा। एक्चुअली मैं चिल्ला कैसे खाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये चिल्ला है, इसके अंदर प्याज डाल के खाता हूँ। प्याज के साथ जाम खाने से अच्छा लगता है इसको। मैं एक्चुअली ये ख़रीदा था अमेजोन से मेरे लिए शू। एक्चुअली जिस दिन मैं गिरा था उसी दिन ही मैं देख रहा था शू, क्योंकि उसका ग्रिप भी ख़त्म हो गया था और छोटा भी हो रहा था। फिर उसी दिन ही मैं मंगा दिया था रात को। मैं उस दिन सुबह देख रहा था फिर गिर गया था। था मुझे लगा कि सूलेस नहीं है, हाफ शू है। यह मेरा शू अच्छा लग रहा है, मुझे कंफर्टेबल है। यहाँ पे देखते लग रहा है कि सिलाई निकल गया लेकिन भी नहीं निकले। मैं जस्ट ध्यान से देखा, पूरा अच्छे से है, अच्छा डिज़ाइन होके है, अच्छा कंफर्टेबल, इसका ग्रिप भी अच्छा है, रबर ग्रिप है। खराब तो जल्दी हो जाएगा लेकिन जितना भी चलेगा उतना अच्छा रहेगा। अभी मैं लंच खाऊंगा। अभी आज के लंच में है कुछ टेस्टी बहुत ही, आज है चिकन। आज में लंच में चिकन दाल खाऊंगा, आज दाल भी अच्छा टेस्टी लग रहा है। मैं अभी चिकन खाऊंगा और अभी चिकन के साथ एक्चुअली मैं आज पापड़ नहीं खाऊंगा। एक्चुअली मम्मा आज जैक फूड फ्राई खाएंगे, उसके लिए मम्मा मेरे लिए अलग से बेसन का पुकड़ी छोटा छोटा बना दिए। मैं और पापड़ बोले कि आज चिकन खाए हो तो पापड़ मत खाओ, तो अभी मैं पापड़ तो नहीं खाऊंगा, आज चिकन राइस दाल खाऊंगा। मैं अपना लंच कर चुका हूँ लेकिन अभी लंच करने वाले मुझे ज़ोर से नींद आ रहा है, क्योंकि मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आया। मैं सोच रहा हूँ मैं अभी सिर्फ नैप ले लूँ 20-30 मिनट्स का, लेकिन नैप लूँगा तो बहुत ही टायर्ड फील होगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना लूँ। क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आया, देखा जाएगा क्या करता हूँ। बहुत ही ज़ोर से तो नहीं, बोलते जस्ट नींद आ रहा है वैसी टाइप का है। अभी मैं खेलने जाने वाला हूँ भाई लोग, आज एक्चुअली 5 o'clock मैं खेलने जाऊँगा, क्योंकि अब तक तो कोई खेलने नहीं आया था। तो मैं घर में बैठा रहा, मैं थोड़ा वेट किया आएंगे ऐसे, तो मैं कॉल करके पूछा, बोले कि हाँ आएंगे खेलने के लिए। एक्चुअली कुछ बच्चे ट्यूशन गए, एक बच्चा है वो आएगा, तो उसके साथ खेलता रहूँगा। 5 o'clock को सबको ट्यूशन से आएंगे तभी हम लोग एक साथ मिलकर खेलेंगे। और बाय द वे मैं अभी लाइट लगाया हूँ, क्योंकि मैं अभी कर्टन क्लोज कर लिया हूँ, तो लाइटिंग नहीं है रूम में, बिल्कुल लाइटिंग नहीं, इसकी वजह से मैं लाइट लगाया था। बाय द वे खेल के भी आ चुका हूँ। अभी मैं अपने लिए सूप बनाया था, एक्चुअली घर में कुछ भी नहीं था, तो मैं उसके लिए जल्दी से बनाने के लिए मैं क्या क्या क्लियर सूप बनाया था, ओनली जिंजर गार्लिक डाल दिया, एक मिर्ची डाल दिया, थोड़ा नमक, थोड़ा चीनी मिठास के लिए और थोड़ा विनेगर, फिर जाके उसको पानी डाल के सिर्फ बॉईल कर लिया, खत्म। इतना ही था ओनली, जैसा बटर डाला टेस्ट के लिए, बस इतना ही हो गया। ओनली 5 मिनट्स लगा काटने से बनाने के लिए। अभी मैं उसको पी लूँगा क्योंकि मुझे भूख लग रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बनाया। ये होता है क्लियर सूप, मतलब कि सिर्फ पानी है और इसमें कुछ भी ग्रेवी टाइप का, मतलब कि जो कॉर्नफ्लोर था वो भी नहीं होगा, ओनली सिर्फ पानी है उसमें, जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स नहीं जिंदा गाली। यहाँ पे बन गया, मैं गर्म गर्म निकाल चुका हूँ। इसमें जो कलर है वो होता है ब्लैक पेपर की वजह से, वो कौन सा भी चीज़ ऐसा नहीं है जिससे कलर आए, ओनली इस सबसे जो आ सकता है सिर्फ और ब्लैक पेपर से ही जो कलर है, वो कौन सा भी नहीं, सिर्फ वाटर। ओनली मम्मा हम लोगों के लिए आफिया मेरे लिए मोमोस लाए है, पनीर मोमो एंड आलू चॉप एंड दिस सॉस। ये अभी खाने के लिए मम्मा लाए हम लोगों के लिए, अभी मैं खाऊंगा। एक्चुअली अभी 7 हुआ था, एक्चुअली सूप पीने टाइम ही पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था मम्मा लाने वाले, तो अभी मैं खाऊंगा इसको। बाय द वे अभी मैं पढ़ने टाइम एक्चुअली मेरा फ्रेंड कॉल किया था जिसका नाम है जॉय, वो एक्चुअली कॉल किया था, उसको सहदय प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए। एक्चुअली वो प्री बोर्ड क्वेश्चन एक्चुअली उसका अलग सेट था,
तो मैं बोला कि वो सेट तो ओनली दो तीन क्वेश्चन से अलग होता है, मैं उसको भेजूंगा, लेकिन वो बोला कि यू विल प्रीफर टू गो फॉर द जेरोक्स कॉपी। तो वो आके मेरे से क्वेश्चन पेपर लेगा जेरोक्स कॉपी करके मुझे बाद में देगा। अभी तो 8 o'clock हो गया, तो कल मुझे सुबह देगा, वो घर के पास ही रहता है। सो अभी मैं जाके उसको दूंगा और 2-3 मिनट में। और बाय द वे अभी मैं कर रहा था साइंस, उसके पहले मैं कर रहा था SST। SST का क्वेश्चन पेपर 2019 का अलग अलग सेट है, बहुत सारा है उसका एक्चुअली बाय द वे। तो उसके हिसाब से मैं अभी करूँगा वापस से ये इसको साइंस का, और एक सेट इसके बाद और लास्ट सेट बचा है सबका। आज के डिनर में है रोटी, तड़का, गुलाब जामुन और खीर। इसको अभी तो मैं खा रहा था, अभी एडिटिंग करने वाला हूँ, अभी एडिटिंग करूँगा। बाय बाय।